रिस्पेक्ट लिव्स ऑन इन डेथ। समय के साथ अपयश फीका पड़ सकता है, लेकिन आपकी शूरवीरता के लिए जनता द्वारा दिया गया सम्मान और प्रेम कभी धूमिल नहीं होता। 26/11 के बारे में सोचता हूँ तो सिर्फ एक नाम, हुतात्मा तुकाराम ओंबले, सिर्फ एक नाम जिनको लेकर उस पूरे अध्याय से जुड़े इतने सारे किरदारों में सिर्फ एक नाम जिसको, जिनके बारे में सोचकर घृणा उत्पन्न नहीं होती, शर्म नहीं आती, क्रोध नहीं आता और अगाध श्रद्धा उत्पन्न होती है। क्यों? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पास थे, निहत्ते थे, कसाब ने सरेंडर करने का प्रपंच रचा, ये गए पास में, कसाब धोखेबाज तो था ही, उसने इन पर धनाधन फायर किया, इन्होंने राइफल का कुंदा पकड़ लिया, वह गोलियां दागता रहा। कोई कहता है 25, कहीं मैंने पढ़ा है 40, वह गोलियां दागता रहा या गोलियां खाते रहे। इन्हें पता होगा कि अब बचेंगे नहीं, लेकिन राइफल का कुंदा हाथ से छोड़ा नहीं। कोई और उस समय इनके अलावा चपेट में नहीं आया, बाकी पुलिस वालों को समय मिल गया, मौका मिल गया, कसाब जिंदा पकड़ा गया। वह पकड़ा गया तो यह खुलासा भी हुआ कि वह पाकिस्तान से आया है, उसके पासपोर्ट पर समीर चौधरी का नाम अंकित है, हाथ पर कलेवा बंधा हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम को हिंदू टेरर बताने की साजिश थी। हुतात्मा तुकाराम ओंबले अगर उस दिन बहुत भावुक हो जाता हूँ, तुकाराम ओंबले जी अगर उस दिन ये सब नहीं करते, अपने प्राण न्योछावर नहीं करते तो कुछ नहीं होता। 26/11 आरएसएस की साजिश नाम की किताब तैयार थी। इस घटनाक्रम के बावजूद साहबजादे ने 2010 में यह कहा कि सेफरन टेरर से भारत को ज़्यादा खतरा है बजाय इस्लामिक आतंकवाद के। धर्म के इन दुश्मनों को मौका मिल जाता, इसे हिंदू साजिश करार दे दिया जाता। हुतात्मा तुकाराम ओंबले को शत शत नमन है, शीश नवाता हूँ कि आपने धर्म, देश, मुंबई पुलिस सबके लिए एक मिसाल पेश की है। जिस देश में आपके जैसे सिपाही जन्म लेते रहेंगे उसको गुलाम बनाना, उसको परिवर्तित कर देना इतना आसान नहीं है। उस समय के बहुत से किरदार मेरे दिमाग में आते हैं, राम गोपाल वर्मा और रितेश देशमुख शूटिंग का माहौल तलाशने चले गए थे। एक जर्नलिस्ट क्या नाम है, बरखा दत्त, लाइव लोकेशन आर्मी और कमांडोज की शेयर कर रही थी, पाकिस्तान में हैंडलर्स बैठे देख रहे थे। हमें याद है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूपीए की सरकार, आईएएफ तैयार था हमला करने के लिए, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए। हम क्या करते रहे, हम डॉसियर डिप्लोमेसी करते रहे। नपुंसकों की फौज हमेशा रही है, उस समय भी थी, आज भी बहुत से नपुंसक समाज में हैं और रहेंगे, लेकिन उस पूरी जमात में, उस पूरी फौज में, उस पूरे गिदड़ों की सियारों के झुंड में एक शेर था, तुकाराम ओंबले, जिनको भारत ने बाद में अशोक चक्र से सम्मानित किया। पिछले वर्ष वैज्ञानिकों ने एक जंपिंग स्पाइडर को खोज निकाला तो उनके नाम पर रखा। याद कीजिए, याद रखिएगा, निहत्ते थे, सब इंस्पेक्टर थे,
लेकिन झोंक दिया अपने आप को। जय हिंद, नमन है आपको तुकाराम ओंबले जी। आप जैसे वीर जन्म लेते रहें, प्राण देते रहें, आप हैं, आप जैसे हैं, तो धर्म, देश और वीरता जिंदा है और जिंदा रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुत्व।